है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूँ आपके साथ फारूक यादव। आज पंचायती राज दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। साथ ही पीएम ने नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल की भी शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या और उनसे जुड़ी सभी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि कोरोना संकट के बीच गांव वासियों ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि 2 गज दूरी का संदेश दिया गया है, जिसने कमाल कर दिखाया है। पीएम ने कहा कि पंचायती राज दिवस गांव तक स्वराज पहुंचाने का अवसर होता है और कोरोना संकट के बीच इसकी जरूरत तब से ज्यादा है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि आज से 5-6 साल पहले देश की सिर्फ 100 पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी, लेकिन आज 1.25 लाख पंचायतों तक ये सुविधा पहुंच गई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खत लिखकर बधाई देते हुए देश के विकास में पंचायतों के योगदान का जिक्र भी किया। इस पत्र में पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारी सरकार इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है और एक सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के विकास की कुंजी है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं किसानों के लिए ये लॉकडाउन बड़ी परेशानी भी बना हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में एक किसान को जब उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिला तो वो भड़क गया और गुस्साए किसान ने अपनी 1 एकड़ भूमि में उपजाई पत्ता गोभी की फसल को खुद ही नष्ट कर दिया। जानकारी के अनुसार एक व्यापारी ने किसान को बाजार की कीमत का महज 60% देकर उसकी फसल खरीदने की बात कही थी, जो कि इतनी कम थी कि किसान उससे अपनी फसल की लागत भी नहीं निकाल पाता। ऐसे में किसान के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसने अपनी पूरी फसल को अपने हाथों ही नष्ट कर डाला। इस बारे में किसान चव्हाण का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से सब्जियों की मांग, ढुलाई और बिक्री किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। महाराष्ट्र में बंद लागू हुए करीब 1 महीना बीत चुका है। उन्होंने कहा कि मजबूरी में मुझे अपने गांव के पास के बाजार में ही सब्जी बेचने जाना पड़ रहा है, जबकि सोलापुर और हैदराबाद में बड़े बाजार हैं जहां मुझे उचित कीमत मिली होती, लेकिन सोलापुर उनके गांव से 100 किलोमीटर और हैदराबाद करीब 200 किलोमीटर दूर है। बंद के बीच इन शहरों तक परिवहन करना मुश्किल है, जिसकी वजह से किसान को इस वक्त नुकसान उठाना पड़ा। जीरो बजट फार्मिंग के महारथी सुभाष पालेकर की राह पर चलकर आज कई किसान खेती के क्षेत्र में तेजी से तरक्की करते नजर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है मैसूर के छोटे से गांव पन्नूर के रहने वाले किसान कृष्ण अप्पा गोड़वा, जो कि 15 साल पहले तक जीरो बजट फार्मिंग के बारे में जानते तक नहीं थे, और आज वही किसान अपनी 5 एकड़ की जमीन पर जीरो बजट फार्मिंग से खेती कर रहा है। आपको बता दें, कृष्ण अप्पा ने अपनी 5 एकड़ की जमीन पर 170 तरह के पेड़ पौधे उगाए हुए हैं, जिसमें केले, नारियल और कई तरह की दालों के साथ कद्दू सहित कई और फसलों के नाम भी शामिल हैं। गोबड़ा की माने तो जब वो पारंपरिक खेती करते थे तो उनको कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ था, लेकिन जब से उन्होंने सुभाष पालेकर की राह चुनकर जीरो बजट फार्मिंग का रास्ता अपनाया है, तब से उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। आपको बता दें कि कृष्ण अप्पा अपनी 1 एकड़ जमीन से 5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा लेते हैं, यानी कि कुल 5 एकड़ से 25 लाख रुपए। हालांकि गोबड़ा के अनुसार जीरो बजट फार्मिंग सीखना आसान काम नहीं है, मगर एक बार अगर आपने इसको अपना लिया तो आगे चल के बहुत फायदे हैं। इससे ना तो फसलों में केमिकल और फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है और ना ही जमीन की उपजाऊ क्षमता नष्ट होती है, जो कि कृषि के लिए काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।